अस्सलामुअलैकुम। आज नौशीन किचन में बनाने लगे हैं बहुत ही आसान और मुख्तलिफ किस्म के कोकोनट बिस्किट। तो आइए जल्दी से टाइम जाया किए बगैर शुरू करते हैं। कोकोनट को बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होगी। अब सबसे पहले 6 अंडों की सफेदी में 1 कप पिसी हुई चीनी डालें और साथ ही वनीला एसेंस 1 से 2 खाने के चम्मच डालकर विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करें और साथ ही ग्राइंड किए हुए नारियल के 4 कप इसमें ऐड कर दें। अब इस हाफ अमेजे को दूसरे बाउल में निकाल लें और रेड या पिंक फूड कलर हाफ अमेजे में ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब दोनों कलर के बाउल में तमाम ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल दें और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, दोनों कलर के कोकोनट का अमेजा तैयार है। तमाम सांचों के अंदर ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालें और ब्रश की मदद से फैलाएं और इसके अंदर बटर पेपर काट के रखें और हल्का सा ब्रश से ऑयली कर लें। अब हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा अमेजा इन सांचों में इस तरह से रखते जाएं। सेम इसी मेथड से दूसरे सांचे भी रेडी कर लें। और हाथ की मदद से आप गोल गोल कोकोनट की शेप दे दें। ओवन में 8 से 10 मिनट के लिए बेक करें और चूल्हे पर देगचे में मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट दें। ये देखें, माशाल्लाह हमारे तमाम डिजाइन के कोकोनट रेडी हैं। अब इन्हें हम डिश आउट करते हैं। इस तरह से पहले बटर पेपर को उतार लें और ये काफी खस्ता नजर आ रहे हैं। ये व्हाइट वाले कोकोनट हैं जो कि मैंने फूड कलर और ड्राई फ्रूट्स के बगैर तैयार किए हैं। इन्हें किसी एयर टाइट जार में रखकर तकरीबन 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे प्लीज अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।